जब इमी और तानी पाकिस्तान से निकलकर टर्की पहुंचे तो उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या टर्की शॉपिंग के लिए आइडियल जगह है भाई? इस मासूम सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि कितना सस्ता है और कितना महंगा ये आपके इमी और तानी डिसाइड करते हैं, दुकानदार नहीं भाई। चाय भी मुफ्त की मिल रही है, डिस्ट्रेस्ड क्योंकि मैं काफी अपसेट रहता हूं। तो आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे एक देसी पाकिस्तानी फैमिली इस्तांबुल टर्की में $100 स्पेंड करती है। So guys, हम इस वक्त ग्रैंड बाजार में हैं इन टर्की, और आज का चैलेंज ये है कि हम देखेंगे कि $100 में क्या आता है इन टर्की। We're gonna go around Turkey in Istanbul and we're gonna see कि actually क्या मिलेगा हमें। So just for clarification, $100 is equal to about 840 Turkish lira. तो अभी शॉपिंग थोड़ी करते हैं और देखते हैं कि मिलेगा क्या। रौनक ही रौनक है, चहल पहले अपनी कोविड के दौरान यहाँ पे इतने लोग हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब टूरिस्ट पीरियड होगा, जब लोग आते होंगे, टूरिस्ट आते होंगे, तो उस टाइम पे कितना रश होता होगा यहाँ पे। यार ये तो 125 टर्किश लीरा का, दिस इज सिल्क, प्योर सिल्क। अरे यार ये इसमें तो मैं 5,000 लूँ और मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। ग्रैंड बाजार थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे इस वक्त। चलो इनायत दूसरी जगह से स्टार्ट करते हैं, वरना पैसे हमारे खत्म हो जाएंगे, हमारे पास 840 है सर। Let's get this one please. This relaxation tea. Wow. Which time you want sleeping? You drink this tea? Yes. So how much will you give me? I just need small pouch because I don't drink tea. Okay. We have like that small bath. What is this? Bath? This manatol with lemon. I just want. What's your best seller? Which one sells the most? All best, but which one you want for you? Maybe you. You which want one do you like the most? Tea. इसका नाम लव टी है, एक्चुअली लव टी है। Okay. You are single, you can't drink one cup enough. Oh, okay. Are you single? No, I am married. Alhamdulillah, I am drinking of tea. ये कह रहे कि मैं ये टी पी के शादीशुदा हो गया हूँ। So, क्या आप देख सकते हैं अभी तक मेरे कोई पैसे नहीं खर्च हुए। इधर मुझे इसने टर्किश डिलाइट खिला दी है, 2 चॉकलेटें खिला दी है, और अब चाय भी मुफ्त की मिल रही है। So, क्या मैं बात करूँ? Okay. How much would that be? I just need a small amount. I give you if you want 100 gram and I make for vacuum tea if you want. चलते चलते इधर ही मेन एरिया में हमें ये नजर आई, और देखो 5 लेना की एक है, और अगर 10 लें तो एक If you take 1 kilo Turkish light from there, I give you this one free. हमारी बच्ची हमें मुफ्त की दे रहा है। कोई भी टर्की का शॉपिंग टूर इनकम्प्लीट होता है इस्तकलाल स्ट्रीट की इंटेंस शॉपिंग के बगैर। तो हमने भी अपना रुख किया इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ। चॉकलेट खा लेंगे। इन्हें डू यू वांट चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी? लोग इस टाइम पे मार्टो पे मौजूद हैं, और मार्टो जो है ये इस्तकलाल स्ट्रीट के ऊपर इनकी एक ब्रांच है, और यहाँ से हमने दुनिया की सबसे छोटी फोन खरीदी है, इसमें चॉकलेट और वनीला दोनों है। तो ये नया के लिए, इनाय एंजॉय करो बेटा, अभी खा सकती हो यार, अभी खा सकती हो, बड़ी हो जाओगी तो फिर वेट की टेंशन होगी, मोटे ना हो जाए। तो ये कितनी क्यूट और कितनी की, कितने की मेरे हाथ से? हाउ मच? 8 लीरा। कुछ भी नहीं बनता है हमारे, तो बड़ी फिट चीज़ है, छोटी सी फोन है ना, ये लो मिजिट फोन। तो हमारी शॉपिंग अभी भी हो रही है। सो तानी वरी जगह। हाँ, तो भाई हमने यहाँ पे इनाया का बैकपैक खरीदा है, बड़ा फिट किस्म का, इस्तकलाल स्ट्रीट से यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक शॉप बनी हुई है, और ये हमें 50 लीरा कह रहा था, 40 में मिला है, 40 में मिला है, 40 लीरा इज ओके। इनाया बड़ी खुश है, इसका नया बैग आया, दैट्स नाइस। शुक्र है मुझे हिजाब की एक अच्छी दुकान मिली, ये जो बिल्कुल मेरे फेवरेट वाइज दुपट्टे हैं मुझे वो मिल गए 15 लीरा के। अच्छा, ग्रैंड बाजार के अंदर ये 120 के थे, विच इज़ क्रेजी।
तो अब मैं ये ढेर सारे लेने वाली हूँ बिकॉज एक तो मुझे हिजाब बहुत पसंद है, ऊपर से मैं अपनी बहनों के लिए और अपनी फैमिली के लिए लेने वाली हूँ। ये देखो ये जो आंटी ने उठाया था ये भी अच्छा है ब्लू। ये देखिए यहाँ बार्गेनिंग चल रही है, तानी मेरे लिए एक स्कार्फ ले रहा है और इसकी प्राइस होनी चाहिए 25। क्या दे दो भाई। तो हम इस वक्त ग्रैंड बाजार की पिछली साइड में अबाउट 2-3 मिनट वॉक फ्रॉम ग्रैंड बाजार और मुझे लग रहा था यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा, मुझे दुपट्टों में डिस्काउंट मिला है लेकिन एवरीथिंग एल्स सुपर ओवरप्राइस। क्या हलचल है यार यहाँ पे, जगह नहीं है चलने की, इतना रश है, मतलब जमे गफील लोगों का यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमारा प्लान ये है कि यहाँ से निकल के हम लोग जाएं थोड़ा सा बिल्कुल जहाँ पे लोकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्या नाम है, वेनेसिया मॉल। यहाँ से 40 मिनट बाय कार लगेंगे और अच्छा सिचुएशन ये है कि अभी तक हमने इतना सामान ले लिया कि हम एक यहीं से सूटकेस भी लेके जाने वाले हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, हमने अभी तक कितने पैसे खर्च कर दिए हैं तकरीबन? चलते हैं आगे वेनेसिया मॉल चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ के क्या सीन्स हैं, शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी और फिर आप लोगों को बताते हैं कितने पैसे बचे हैं। तो $100 अभी तक मुझे ये लग रहा है कि आप तुर्की में $100 में बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन आपको स्मार्ट शॉप करना पड़ेगा। अगर आप टूरिस्ट की मार्केट्स में जाओगे तो मतलब वो आपके एक ही झटके में जो है खत्म हो सकते हैं। इस मॉल के बारे में हमें हमारे जो होटल ओनर हैं उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं वो वहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। एक दो और मॉल्स हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड है तो हम लोग इसीलिए वहाँ जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सारी फिक्स प्राइसेस है तो कोई चीज़ हमें मतलब कोई लूटने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बाकी जैसे एक ग्रैंड बाजार शॉपिंग एरिया है यहाँ पे हर किसी ने अपने हिसाब से प्राइस रखी हुई है और फिर वो आप नेगोशिएट करते रहो, मतलब वो एक खज्जल खुआरी वाला काम है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम मॉल जाएँ और वहाँ से फिक्स प्राइस पर कोई चीज़ लें जो भी पसंद आती है। हाँ, सो आई होप मुझे टीपॉट और कप्स का सेट मिल जाए। तो हम पहुंच चुके हैं वेनेसिया मॉल व्हिच इज दिस ऑसम प्लेस एंड एक्चुअली रिमाइंड मी ऑफ DFO इन ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे बहुत सारे लाइक ब्रांडेड आउटलेट स्टोर होते हैं। तो आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, ना फिट लग रहा है यार, मतलब मॉल के अंदर वो डक कर रहा है। हाँ, तो मॉल के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है। हेलो, ये यहाँ पे लगी हुई है 349 की, मेरे ख्याल से काफी प्राइसी है। She's never had it before. तो शॉपिंग हमारी क्वाइट इंटेंस हो गई है, सो इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। अभी मैं और तानी नहीं खाएंगे लेकिन इनार के लिए हमने सुजुक का पिज्जा लिया है जो कि हमारा फेवरेट पिज्जा है। ये स्पाइसी सुजुक टर्की का आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है, इनफैक्ट इनाया तो उतार डाल के सूचो खाएंगे। तो ये हमें पड़ा 20 टर्किश लीरे का एंड वी स्टिल हैव सो मच मनी, वी रियली वांट टू बाय प्रेयर मैट एंड टी कप सेट, तो दुआ करें वो हमें मिल जाए। वो कहते हैं ना कि सबर का फल हमेशा मीठा होता है, तो भाई आपके लड़के को सबर का फल अगले दिन ही एक जोरदार किस्म की जींस जैकेट की सूरत में मिल गया। तो मुझे अपने ख्वाबों की जैकेट जो वो मिल चुकी है। हम लोग इस टाइम पे कॉलिन्स में मौजूद हैं इस्तांबुल में और सुल्तान अहमद में है ये ब्रांच कॉलिन्स की, और ये जैकेट मैं पता नहीं कितने अरसे से ढूंढ रहा था। कल हम लोग गए थे वेनेसिया मॉल, वहाँ पे मुझे ये जैकेट मिल गई थी लेकिन मेरा साइज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक से इनके पास एक ही जैकेट बची और वो मेरे साइज़ की है जो कि स्मॉल है लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, अच्छी लग रही है तो मैं ले लूँगा। Can you tell us the price? Because हमारे पास 600 बचे हैं अभी लीरा। 270 की थी और ये अभी 200 की हुई है, 199.95। अच्छा, ये जीन्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी है लेकिन ये वाली जो है ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि मुझे थोड़ी सी कौन सी लुक होती है, इट्स डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड क्योंकि मैं काफ़ी अपसेट रहता हूँ, डिस्ट्रेस्ड लुक जो है वो ज़्यादा पसंद आती है। ये थोड़ा सा डार्क शेड है, ये थोड़ा सा लाइटर शेड है और अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी दिस इज लाइट हार्टेड, दिस इज अ डार्क सोल। लेकिन भाई भी दोनों अच्छी लग रही है। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम ये वाली लो। ये क्यूट सा आउटफिट मिला है, ये शर्ट है
और ये पैंट्स हैं और ये मैं अपने पापा के लिए ले रही हूँ. सो दिस इज 130 और ये शर्ट कितनी की है ताली? 80. अच्छा, सो दैट्स गोना बी अबाउट 200 लीरा. तो इधर हम असॉर्टेड बकलावा ले रहे हैं हाफिज मुस्तफा से और ये 1864 से इनकी दुकान है. देयर प्रॉब्ली आई थिंक सबसे फेमस यहाँ पे बकलावा इन्हीं का है. हम ये मम्मा पापा के लिए लेके जा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली जब आप वापस जाते हो यू वांट टू टेक समथिंग स्पेशल और ये यहाँ की स्पेशलिटी है. सो अमेजिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे चॉकलेट बकलावा भी है तो वो भी मैंने डिलवाया और गुलाबों का बकलावा भी है. बॉक्स कितना क्यूट लगे उससे ज़्यादा ही हो गया. ये देखें यहाँ फुल बार्गेनिंग चल रही है. तानी जो है वो उसके पीछे लग गया है, हाथ धो के लग गया है, बारिश से ही धुल रहे हैं. बोलो बोलो नो ब्रदर, यस्टरडे यू सेड 70 फॉर अस. 70 ये नॉट वी ओह ब्रदर प्लीज नाउ वी आर पुअर. 70 नहीं कर रहा तो चलो यहाँ से चलो. थैंक यू. तो हम लोग अभी तंजर गिफ्ट शॉप पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमें ये वाले टी कप्स और टी पॉट्स नजर आए. तो ये बिल्कुल टिपिकल ट्रेडिशनल टर्किश टी कप्स हैं. कितने खूबसूरत सो ब्यूटीफुल. हाँ अच्छा, ये क्रिस्टल है पूरा क्रिस्टल. हाँ गुड क्वालिटी. ओके थैंक यू. तो तानी कितने खर्च हुए और कितने बचे? बात ये कि सब खर्च हो गया. महंगा कह रहा था लेकिन 200 में इसने बड़ा वाला सेट दिया 12 पीस वाला और जो दूसरा सेट है जो 6 कप वाला सेट है वो इसने 150 तकरीबन 400 जो बचे थे वो हमारे यहाँ पे. सो इधर हमारी ख़त्म होती है वीडियो. पूरे पैसे लग गए हैं और मुझे ये कप्स इतने प्यारे लग रहे हैं गाइस. थोड़ा ओवर हो जाए अपने बजट से. अगर आप लोग इस्तांबुल आ रहे हैं तो ये टंजर गिफ्ट शॉप जरूर आइएगा. यहाँ पे अच्छी बात ये है कि मैंने टैग लगाया है. हाँ प्राइसेस हैं तो कोई मतलब आपको लूटने की कोशिश नहीं करेगा और बहुत अच्छा आदमी है. आई लव दीज. ओह माय गॉड. ओके.